फ्रेंड्स so एकेडमी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कलेक्शन ऑफ स्वैब एंड थ्रोट स्वैब सो फ्रेंड्स जानते हैं कि इस कोविड के टाइम पर हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जब हम लैब में परफॉर्म कर रहे हैं किसी पेशेंट का सैंपल का कलेक्शन कर रहे हैं तो हमें किस तरह से उस सैंपल को कलेक्ट करना है ठीक है सो इसमें भी काफी सारी हमारे एडवांटेज डिसएडवांटेज है इसके अंदर अब किस तरह से प्रॉपर तरीका होता है प्रॉपर मैनर किस तरीके से आप क्या कर रहे हैं और थ्रोट को कलेक्ट कर रहे हैं ठीक है सो फ्रेंड्स so आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कलेक्शन करेंगे कोविड का ठीक so है सो कोविड अब जानते हैं कि आप जब सैंपल लेते हैं तो हमें किस तरह से पेशेंट को प्रिपेयर करना है उनको क्या बोलना है ठीक है क्या क्या उनसे पूछ पूछना है हमें क्योंकि हमें उनकी जो हिस्ट्री है वो भी लेनी बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ताकि आप भी उनसे प्रोटेक्ट रहे और वो आपसे प्रोटेक्ट रहे ठीक है सो देयर आर फाइव बेसिक फेजेस एंड सैंपल कलेक्शन हम पांच फेजेस पढ़ने वाले हैं सैंपल कलेक्शन में ठीक है तो फेजेस क्या है हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं सो इनिशियल प्रिपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट सबसे पहले हम पेशेंट को इनिशियल प्रिपेयर करेंगे उसको आइसोलेट करेंगे पेशेंट को ठीक है सो यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई बाय द फ्लेबोटोमिस्ट तो हम क्या करेंगे पहले पीपी किट पहनेंगे ठीक है, so, हमारा क्या हुआ पीपी uh, किट है, हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम यूज करेंगे ठीक है, जो होगा, जो होगा, करेगा, so, हम consent, form और TRF fill करते हैं पेशेंट की डिटेल्स लेने के लिए सैंपल कलेक्शन करेंगे packaging, packaging करेंगे, एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वेस्ट डिस्पोजल भी करेंगे ठीक है डीकटामिनेशन एंड रब भी करेंगे सो so, लास्ट हमारा होता है डीकंटामिनेट करना और हैंड हैंड्रॉप करना ठीक है फ्रेंड्स सो इनिशियल प्रिपरेशन से लेकर हैंड हैंड्रॉप तक हम हाँ, आज डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में सो so, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स जो कोविड की जो बेसिकली कोविड के आजकल के काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोविड की कलेक्शन कर रहे हैं जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस है वो भी आजकल कोविड की कलेक्शन कर रहे हैं तो इसके लिए हमें पता होना बहुत जरूरी है कि कोविड के लिए पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर करें और किस तरह से हम भी उससे सेफ रहे सो so, फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेप क्या है जो पेशेंट है वो होम विजिट बुक करेगा अब फ्रेंड्स यहाँ पे होम विजिट क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप उसे सेंटर पे कलेक्शन करते हैं तो काफी ऐसे सारे बहुत ही ऐसे पेशेंट होंगे जो कोविड से उस टाइम पे सर्वाइव कर रहे होंगे ठीक है वो बहुत डरे होंगे उनके अंदर एक डर होगा तो कोविड की जो कलेक्शन है वो स्प्रेड ना हो दूसरों में इसलिए हम इसको होम विजिट करते हैं ठीक है सो आस्क द पेशेंट टू इन्फॉर्म अबाउट सिम्टम्स विच द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सो दैट अप्रोप्रीएट इनिशियल प्रिपरेशन इज रेडी इंक्लूडिंग द किट फॉर सैंपल कलेक्शन आप क्या करेंगे एट द टाइम ऑफ होम विजिट आप पेशेंट से पूरी हिस्ट्री लेंगे कि आपको कोई डिजीज तो नहीं है कोई ऐसा सिम्टम्स तो नहीं है जिससे आपको लग रहा हो कि आपको कोविड हुआ है ठीक है सो अगर ऐसा कुछ है अगर पेशेंट सफर कर रहा है कोविड से तो आप क्या करेंगे पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएंगे ठीक है पूरी पीपरी किट के साथ जाएंगे सैंपल कलेक्शन इक्विपमेंट्स के साथ जाएंगे आप पूरी प्रिपरेशन करके जाएंगे ताकि आपको वो डिजीज ना हो और दूसरों को स्प्रेड आउट ना हो सो आस्क फॉलोइंग द्वेश्चन्स टू सर्टन पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन सो यहाँ पर हम क्या क्या पूछेंगे उन्हें फीवर है तो नहीं कफ तो नहीं हो रहा ब्रीथिंग ब्रिथिंग जो उनको ब्रीथ सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही और रनिंग नोज उनकी नाक तो नहीं बह रही है तो हमें ये चीज पूछना बहुत जरूरी है

कि कहेंगे कि जब आपने अपॉइंटमेंट बुक करवाई है होम विजिट करवाई है तो आप कम से कम एक्सपोजर करने की कोशिश करें ठीक है सभी अपना मास्क पहने ग्लव्स पहने और सैनिटाइज अपने हाथों को जरूर करें सो इन्फॉर्म देशेंट बिफोर रीचिंग द पेशेंट हाउस बाय गिविंग अ कॉल अगर कोई होम विजिटर होम विजिट जो करने जा रहा है फ्लैबोटोमी वो अगर पेशेंट के यहाँ पर पहुंच रहा है तो सबसे पहले वो पेशेंट को कॉल करेगा ठीक है कॉल करेगा एंड वीअर द मास्क होल्ड द मास्क इन फ्रंट ऑफ द फेस Place the strings at the back of your head and adjust the nose clip and do for, finally adjustment with strings. So air should not escape from the sides of the mask while inhaling. ठीक है? Exhaling. अगर आप mask पहन रहे हैं friends, तो क्या होगा? जब आप mask पहनते हैं, तो आपने देखा होगा कि mask कुछ इस तरह से होता है। ठीक है कुछ इस तरह से होगा यहां पर देखेंगे तो आपको एक लोहे का लोहे की नोब दिखेगी ठीक है जो क्या करती है प्रेस नोज जो हमारा होता है वहां पर कंफर्ट बनाने के लिए ताकि कोई एयर एक्जेल या इनहेल ना हो उसके लिए दी जाती है ठीक है तो वहां पर आप प्रेस करेंगे पूरे टाइट कर लेंगे नीचे का जो कवर होता है अपने थ्रोट से नीचे तक कर लेंगे ठीक है ताकि कोई भी एयर इनहेल एक्सहेल ना हो ठीक है बाहर का कोई अंदर ना आ पाए अंदर का कुछ बाहर ना जा पाए वन इज नाउ वी विल सी हाउ टू यूज दी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ऑल्सो नॉन एज पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीई किट कहते हैं ठीक है इट कंटेंट्स ये क्या क्या कंटेन करता है अ गाउन वो पूरा एक गाउन होता है जो आपको कवर करता है नाइन्टी फाइव मास्क होता है उसके अंदर अ पेयर ऑफ गॉगल्स होते हैं जो आप आंखों में पहनते हैं एंड अ पेयर ऑफ ग्लव्स वहां पे ग्लव्स भी प्रेजेंट होते हैं सो विच आर पाउडर फ्री ये पाउडर फ्री होता है आपके हाथों में पाउडर नहीं लगता एक पाउडर फॉर्म में आता है ग्लव्स जो बहुत ही बेकार होता है आपके हाथों में पाउडर लग जाते हैं ठीक है थीके? वो आपके हाथों को हाथों की नमी भी खराब कर देता है डू अ हैंड रब फॉर सिक्स स्टेप विच शुड टेक अराउंड थर्टी सेकेंड थर्टी जो आपके आपने देखा होगा कि आपके लैब में ना वो जो हैंड स्टेप होते हैं हैंड को किस तरह से वॉश करना है वो सिक्स स्टेप होते हैं आप उसको फॉलो करेंगे और थर्टी सेकेंड तक अपने हैंड को वॉश करेंगे सो आफ्टर दी पाम एंड डायरेक्टली कंप्लीटली शुड बी टेक फ्यू सेकेंड ठीक है अब उसके बाद क्या करेंगे जब आप अपने हाथों को लेंगे उसके बाद क्या करेंगे आप वी आर एन नाइनटी फाइव मास्क अब आप एन नाइनटी फाइव मास्क पहनेंगे एंड गाउन uh, पहनेंगे अपना फुल इट कवर टू हेड वो आपके हैड तक कवर होता है आपके लेग वैग से अब कवर हो जाता है इनसर्ट योर आर्म एंड अ लॉक दाउन बिहाइंड योर बैग एंड वीयर गोगल्स वीअर ग्लव फिर आप गोगल पहनेंगे फिर आप ग्लव्स पहनेंगे एंड में ठीक है फ्रेंड्स सो फिल दंसेंट एंड दी आर एफ अब तुम्हारा थर्ड क्या है हम कंसेंट फॉर्म भरेंगे और टीआरएफ फिल करेंगे सो अफ एन हैंड रब टू देशेंट एंड टेक पेशेंट सिग्नेचर ऑन टीआरएफ सबसे पहले हम पेशेंट से हैंड वॉश करवाएंगे ठीक है उसके बाद हम उसके सिग्नेचर लेंगे टीआरएफ के ऊपर कि हमने उसका टेस्ट किया है डिस्कार्ड पेन इन दी वेस्ट डिस्पोजल किट दी पेन शुड नॉट बी रीयूज एट एनी कॉस्ट अगर आपने पेशेंट से साइन करवाया है फ्रेंड्स तो आप वो पेन डिस्कार्ड कर देंगे जो आपने पेशेंट से यूज करवाया है ठीक है वो कितना भी कॉस्ट का हो पांच रुपए का हो दो रुपए का हो दस रुपए का हो हजार रुपए का हो पांच हजार का हो आप उसे डिस्कार्ड कर देंगे आप उसे दोबारा यूज नहीं करेंगे ठीक है एंड फोर्थ वन इज सैंपल कलेक्शन पैकेजिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल सैंपल कलेक्शन किस तरह से करना है पैकिंग किस तरह से करनी है उसको वेस्ट डिस्पोजल किस तरह से करना है सो आस्क फॉलोइंग क्वेश्चन टू रिसन पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन इन केस ऑफ सिम्टम्स स्टार्टेड डेवलप्ड आफ्टर द होम विजिट अपॉइंटमेंट वॉज बुकड टेलीफोनिकली अगर आप पेशेंट को बोल पेशेंट से बात कर रहे हैं ठीक है तो क्या होगा पेशेंट का जो क्लिनिकली कंडीशन है जो सिम्टम्स हैं वो क्या होगा होम विजिट अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम ही वो खराब हो जाए तो क्या हो सकता है उस टाइम हम पूछ लेते हैं कि आपको फीवर तो नहीं है कफ तो नहीं है ब्रीथिंग लेस तो नहीं हो रहा है रनिंग नोस तो नहीं है ठीक है ये हम सैंपल बुकिंग के टाइम पर पूछ लेते हैं तो इफ एनी ऑफ दीज इज पॉजिटिव देन अफ मास्क टू देशेंट एंड कलेक्ट सैंपल फॉर दी प्रायोरिटी टू रिज एक्सपोजर टू अदर तो अब हम क्या करेंगे कुछ पेशेंट होते हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं, हैं जिसकी वजह से वो मास्क वेयर नहीं कर पाते हैं लेकिन जो पॉजिटिव पेशेंट हैं, उनको मास्क पहनना बहुत जरूरी है ताकि जो सैंपल कलेक्शन करने आ रहा है जो फ्लैबोटोमिस्ट आ रहा है उसको एक्सपोजर ना हो जाए ठीक है क्योंकि एक बंदे से दूसरे बंदे में दूसरे से तीसरे फैलने में टाइम नहीं लगता रिमूव देंजल स्वैब स्टिक फ्रॉम इट्स रेप्ड रैपर अगर इसका जो रैपर है हम क्या करेंगे पहले करेंगे पहले रिमूव जो नेजो स्वैब आती है उसमें से हम रैप से रिमूव करेंगे एंड so, आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए एंड एक्सप्लेन दी प्रोसीजर टू हिम अब हम उसके क्या करेंगे प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं सो आस्क हिम टू एक्सटेंड नेक बाय टाइटिंग टिल्टिंग इट स्लाइटली फेसिंग द रूफ अब हम क्या करेंगे slightly, उसको स्लाइटली उसके फेस को ऊपर करेंगे ठीक है सो एट देंटली इन टू दॉस्ट्रिल अलॉन्ग विद्लोर ऑफ द नॉस्ट्रिल्स स्वेली टिल दिसाइडेड लेंथ सो क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर आपने देखा होगा कि आपका जो माउथ था वो नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं तो वहां से स्लाइटली हमें क्या लेना है उसको स्क्रब करना है और वहां से सैंपल कलेक्ट करना है Keep this swab there the for uh, few seconds. Absorb these uh, secretions and remove slowly. While relating three to five times, ensure the touching the inner sides of the nostril in the unscrewing motion. तो अगर हम क्या करेंगे? Unscrewing motion में क्या करेंगे? वहाँ से तीन चार बार हम touch करेंगे nostril के नीचे और क्या करेंगे? वहाँ से sample collect करेंगे. Place this swab in the वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम वीटीएम सो फ्रेंड्स आपने वीटीएम तो देखा ही होगा वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम सो फ्रेंड्स अभी आपने अगर वीटीएम नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा रही हूं वीटीएम कैसा होता है सो so, आप देख सकते हैं ये वीटीएम है ट्रांसपोर्ट मीडियम है इसके अंदर जो ये लिक्विड फिल है देख रहे हैं आप इसके अंदर लिक्विड फिल है ये वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम है फ्रेंड्स यहां पे देख रहे हैं आप लिखा है इसमें ये इसमें थ्री एम एल लिक्विड फिल है पहले से ही और ये है स्वैप जो आप देख रहे हैं ये क्या करते हैं यहां से ब्रेक करने के लिए यहां पर दिया हुआ है आप यहां से ब्रेक करके ट्यूब में वापस डाल देते हैं जब आप सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं ठीक है ये इतनी लॉन्ग स्टिक इसलिए है ताकि आपके हैंड जो है वहां पर टच ना हो ठीक है उनके माउथ से टच ना हो सो so, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम किट है ये ठीक है वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम किट है जो हम बेसिकली कोविड के सैंपल लेने में करते हैं यूज करते हैं ठीक है सो ब्रेक दिस स्टिक एंड डिजाइनेटेड पॉइंट तो वहां पर डिजाइनेटेड पॉइंट बना हुआ मैंने आपको अभी दिखाया तो वीटीएम में क्या होता है फिर उसको डाल देते हैं सो फोर थ्रॉड स्वैब ओर ऑफ्रेंजल स्वैब ठीक है ओर ऑफ्रेंजल स्वैब में क्या करते हैं आस्क द पेशेंट टू ओपन द माउथ अब अपना माउथ ओपन करेगा प्लेस दुडन स्पैचुला ऑन दंग टेस द टंग एंड यूजिंग दुडन स्पैचूला सो द बैक ऑफ द्रोड इज विजिबल आप क्या करेंगे जब हम स्पैचुला लेते हैं ठीक है थीके? वुडन स्टिक होती है स्पैचुला लेते हैं जब हम उसके टंग को प्रेस करते हैं तो हमें थ्रोट थ्रोट विजिबल होता है सो बैक ऑफ द द अवॉइडिंग टंग एंड वायर इन इंसर्टिंग एज वेल एज रिमूविंग द स्वैप प्लेस इन दी वीटीएम एंड क्लोज दी वायल अब हम क्या करेंगे जैसे ही हमने सैंपल लिया वहां से वो स्वैब हटाया और वीटीएम के अंदर उसे ब्रेक करके उसमें डाल दिया वेल दंटेनर विद टू पेशेंट आइडेंटिफिकेशन अब फर्स्ट ठीक है तो क्या होगा कि अगर आप दो पेशेंट का सैंपल ले रहे हैं तो फर्स्टली आप तो उसे लेबल करेंगे ठीक है पेशेंट का नाम एज जेंडर उस पर मेंशन होना चाहिए और टेस्ट मेंशन होना चाहिए ठीक है तभी आप दो पेशेंट को डिफाइन कर सकते हैं सो नाउ रिमूविंग दी पीपी इट वायल एक्सिस्ट दी पेशेंट हाउस नियर द डोर रिमूव द गाउन इन साइड आउट एंड डिस्कार्ड इन येलो बैग अब क्या करेंगे जब आप पेशेंट का सैंपल ले लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे आप इन क्या करेंगे वहां से हर, निकलेंगे और अपने गाउन को निकालेंगे गाउन को निकालकर आप येल्लो बैग में डिस्कार्ड करेंगे कहां पर आपको बी एमडब्ल्यू का भी ध्यान रखना है बायोमेडिकल वेस्ट का भी ध्यान रखना है सो ग्लव्स टू बी डिस्कार्ड इन रेड बैग आप क्या करें, करेंगे ग्लव्स कहाँ डिस्कार्ड करेंगे रेड बैग में एंड रिमूव द मास्क आउटसाइड द पेशेंट हाउस अब पेशेंट हाउस से जब निकलेंगे जहां पर पेशेंट का घर है वहां से बाहर निकलेंगे तभी आपको अपना मास्क रिमूव करना है एंड रिमूव द लोअर स्ट्रिंग्स फॉलोइंग बाय द अपर स्ट्रिंग्स एंड दर्ट दैट इन येलो बैग्स जो स्ट्रिंग्स आपने पहनी थी वो आपको येलो बैग में डालनी है पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स लास्ट वन इज लास्ट पॉइंट हमारा है डी कंटामिनेशन एंड हैंड रब सो यूज एल्कोहल बेस्ट सैनिटाइजर टू रब दी हैंड इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग दी मास्क बिफोर टचिंग एनी बॉडी पार्ट अगर आपने कोई भी बॉडी पार्ट क्या करेंगे बॉडी पार्ट टच करने से पहले अपने अल्कोहल से अपने हाथों को रब करेंगे इसका अगर आपने रिमूव किया है तो आप अपने हाथ को पहले सेनिटाइज करें और फिर दूसरे बॉडी को टच करें दूसरे पार्ट को टच करें ठीक है इसे नोट कर लीजिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है रेफ्रिजरेट दिस स्पेसीमेन अब कलेक्ट कर लिया है उसको रेफ्रिजरेट करना है टू टू एट डिग्री सेंटीग्रेड पे एंड शिप इट टू एन आइस पैकेस लैब। जब तक आप लैब नहीं पहुंच जाते उसको टू टू एट डिग्री सेल्सियस पे रखना है पैक के अंदर दी फ्लैबोटोमिस्ट नीड्स टू वॉश हिज हिज हर हैंड विथ सॉप एंड वॉटर इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग टू वर्क स्टेशन होम बिफोर टचिंग एनी पार्ट ऑफ देयर फेस और एनी ऑब्जेक्ट द पर्सन इन दू वर्क स्टेशन एट होम अगर आपने सैंपल कलेक्शन किया है जैसे होम विजिट के लिए आपने फ्लैबोटोमिस्ट को भेजा है उसको क्या करना है जैसे ही फ्लैबोटोमिस्ट ने जैसे ही होम विजिटर ने अपना काम किया है वहां पर सैंपल कलेक्शन की है उसको उसी टाइम अपने हैंड को वॉश करना है अपने किसी बॉडी पार्ट को टच नहीं करना है इसका ध्यान बहुत ही अच्छे से रखें आप किसी और को भी टच ना कर दे इसका भी ध्यान रखें फ्रेंड्स क्योंकि ये स्प्रेड आउट हो सकता है ठीक है कलेक्शन ऑफ नेजो फ्रेंडल स्वैब एंड थ्रोट स्वैब है ये हमारा यही कंप्लीट होता है इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेज चेक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं आपको उसके आंसर बता दूंगी सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू सो मच सो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इनिशियल प्रिपरेशन एंड आइसोलेशन हम इनिशियल प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं और आइसोलेशन किस तरह से करते हैं ठीक है सो फर्स्ट स्टेप इज पेशेंट टू बुक होम विजिट